हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, तो वो है उत्तर प्रदेश की भर्तियों के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां कब आएंगी, क्योंकि काफ़ी सारी भर्तियां पहले सेट की हुई है और नई भर्तियों के बारे में भी आप सभी को इंतज़ार है कि यहाँ पर इस राज्य में कब भर्तियां आएगी। तो इससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है, अगर आपने नहीं कराया तो कहाँ की ये भर्ती आने वाली है पहले इस पर मैं बात कर लूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थीगण संज्ञानित है कि आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 एवं प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, तो राजकीय डिग्री कॉलेज में जो है आपकी ये भर्ती आने वाली है, तो इसका विज्ञापन जो है शीघ्र ही जारी किया जाना है। इसमें आवेदन करने हेतु OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ आपको निर्देश दिया गया है कि अभी तक जिन्होंने अपने OTR का फॉर्म नहीं भरा है वो यहाँ पे जाके अपने OTR का फॉर्म भर दे, ताकि जो नई भर्तियाँ ये आएंगी उस टाइम आपको परेशानी ना हो। फिर आगे देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा विज्ञापित किसी पद पर आवेदन करने के पूर्व आयोग की वेबसाइट, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम दिया गया है कि otrparikshaa.nic.in पर OTR प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त परीक्षाओं में अधिकांश प्रतियोगी छात्र द्वारा आवेदन किया जाता है। उक्त पद के विज्ञापन के पूर्व OTR नंबर ना प्राप्त करने के कारण आवेदन करते समय वेबसाइट पर सर्वर डाउन या फिर हैवी ट्रैफिक जो है आपको देखने को मिलता है। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त पद के विज्ञापन के पूर्व OTR प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें, जिससे विज्ञापन जारी होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई ना हो। उपरोक्त प्रक्रिया से OTR नंबर ना प्राप्त करने की स्थिति में उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन ना कर पाने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो देखिए, आपकी ये जो भर्तियां हैं वो जारी होने वाली है, तो ऐसे में आप सभी से यही कहा गया है कि जिन्होंने भी अभी तक OTR का फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब ये आपने सुन लिया होगा कि काफ़ी सारी वैकेंसी जो है अब आने वाले साल में देखने को मिलेगी, यानी कि ये जो साल 2024 है इसमें आपको उत्तर प्रदेश की कई सारी भर्तियां देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये नया नियम जो है लागू कर दिया गया है कि अब आपको जो है OTR का फॉर्म फिलअप करना है। इसमें आपको जो है, अगर आपने OTR का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो पहले जाकर आप यहाँ पर आवेदन कर लें, ताकि जब भी ये नया जो वैकेंसी आता है या नया विज्ञापन कोई जारी किया जाता है तो आपको उसको भरने में कोई भी कठिनाई ना हो। क्योंकि अगर आपने OTR फॉर्म नहीं भरा है तो आपको अप्लाई करने में दिक्कत होगी, ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत होगी, और उस टाइम अगर आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो देखिए, भर्तियों के आने में थोड़ा सा समय है, तब तक आप सभी ये फॉर्म ज़रूर भर लें, और अगर आपने भर लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है वह भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं के लिए कि आपको इन भर्तियों से पहले OTR का फॉर्म ज़रूर फिलअप करना था। तो यहाँ पर आपको नई वैकेंसी के बारे में भी पता चल गया कि राजकीय डिग्री कॉलेज में जो है आपकी भर्ती आने वाली है, तो ये भर्ती के लिए भी आपको पता चल चुका है कि इसकी भर्ती आएगी। इसके साथ ही आपको यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश यही दिया गया है कि आप OTR का फॉर्म भर लें। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है एक बार ज़रूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।